बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं विंडलास बायोटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। हाँ जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप विंडलास बायोटेक आईपीओ का जो है अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो आप इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे चेक कर सकते हैं, क्या इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी हो सकती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में इस आईपीओ क्या चल रहा है और लिस्टिंग प्राइस इसका क्या हो सकता है, मतलब लिस्टिंग प्राइस प्रेडिक्शन आज हम इसकी आपके सामने कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता देना चाहता हूं हमारे प्रीमियम सर्विसेज हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल हैं। आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आप हमारी सारी प्रीमियम सर्विसेज फ्री के अंदर अवेल कर पाएंगे, जहां पर आपको बेनिफिट मिलता है लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स का, जहां पर आपको बेनिफिट मिलता है इंस्टेंटली आप आईपीओ के ऊपर डिटेल्स और रिसर्च कर सकते हैं, और आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड जो डेट्स हैं और आपको रिफंड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं और आपको अगर अलॉटमेंट स्टेटस जो चेक करना है तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विंडलास बायोटेक आईपीओ की जो कुछ डिटेल्स के ऊपर नजर डालते हैं। फ्रेंड्स ये जो आईपीओ ओपन 4 अगस्त को हुआ था और आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट थी वो 6 अगस्त की थी और इसकी जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है वो 11 अगस्त की है, लेकिन फ्रेंड्स आप 11 अगस्त को चेक नहीं कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 11 अगस्त को चेक इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि 11 अगस्त को जो कंपनी है वो आपको अलॉट तो कर देगी लेकिन वो अपडेट नहीं करेगी। अपडेट जो है फ्रेंड्स अगले दिन होता है ताकि आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। साइट होती है फ्रेंड्स इसके रजिस्ट्रार की, रजिस्ट्रार में अभी आपको कुछ सेकंड्स में दिखाऊंगा किस तरीके से आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं इसकी अलॉटमेंट चेक। तो अभी हम बात करते हैं रिफंड का। जी हाँ फ्रेंड्स, 12 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है। अगर रिफंड से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपको आई बटन के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाके आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली, उस वीडियो में मैंने सारी डिस्कशन इसी से रिलेटेड की है। फिर फ्रेंड्स आता है 13 अगस्त को आपको मिलेंगे शेयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अलॉटमेंट हो गई है तो आपको जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स को देखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक मेथड फॉलो करना पड़ता है और वो जो मेथड है फ्रेंड वो आपको आई बटन पे एक और वीडियो मैंने बना रखी है उस पर जाके मिल जाएगा। 17 अगस्त को इसकी लिस्टिंग डेट है और 17 अगस्त को सुबह 10 बजे आप इसके अंदर जो है लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 10 बजे आप इसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप इसमें आपके आईपीओ शेयर सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं एक आईपीओ जो फ्रेंड 460 रुपीज के अंदर अगर आपने क्लिक किया है तो आपको मिलने के चांस बढ़ चुके हैं क्योंकि इसका जो है आईपीओ प्राइस 460 रुपीज ये मांग रही थी कंपनी आपसे। एक लॉट के अंदर 30 शेयर्स हैं और आपकी जो है 13,800 रुपए की जो अमाउंट है वो आपके यूपीआई के अंदर ब्लॉक हो चुकी होगी अगर आपने इस मैंडेट को अप्लाई कर दिया था। तो फ्रेंड्स बात करते हैं रजिस्ट्रार की। इसका जो रजिस्ट्रार वो लिंक इन टाइम है। अगर आप अलॉटमेंट चेक करना चाहते हैं तो आपको सिंपली न्यू टैब पे जाना है और आपको लिखना है लिंक इन टाइम। जैसे आप लिंक इन टाइम आईपीओ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास फर्स्ट के अंदर रिजल्ट आएगा आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क पीपल सर्विसेज दिखा रहा है बट इसकी जगह आपको जो आपका आईपीओ दिखा देगा जिसका कि नाम है विंडलास बायोटेक। जैसे वो यहाँ पर दिखाया आपको उसको चूज करना है और अपना पैन नंबर एंटर करके सर्च कर देना है, आप इंस्टेंटली आईपीओ चेक कर पाएंगे। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको एप्लीकेशन नंबर चेक करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्लाइंट आईडी है, मतलब जो आपको ब्रोकर आपका प्रोवाइड करता है, आपको एक यूनिक क्लाइंट आईडी वो प्रोवाइड करता है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो पर्सनली पैन कार्ड से चेक करता हूँ, ये ईजी रहता है और ये यूनिक रहता है और सबको याद भी रहता है, इसलिए इसे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि अगर आपको अलॉटमेंट के बारे में अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डालता रहता हूँ जब भी कोई अपडेट आती है। तो जैसे ही इसकी अलॉटमेंट चालू होगी मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा तो आपके इंस्टेंट एक मैसेज आ जाएगा आपको और आप जल्दी से जाकर चेक कर सकते हैं। आपको 1 या 2 सेकंड का डिले होगा अगर अलॉटमेंट अभी स्टार्ट होगी तो 2 सेकंड बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, इतना फास्ट मैं इसके अंदर अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करने वाले हैं जीएमपी की। तो फ्रेंड्स आज की जीएमपी चल रही है 70 रुपीज़, मतलब 70 रुपीज़ में कुछ बायर्स हैं जो ले रहे हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है बायर्स, मतलब 70 रुपीज़ में कुछ बायर्स बैठे हैं बट सेलिंग यहाँ पर अभी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखाया गया एप्लीकेशन रेट्स वगैरह। तो इससे हम प्रिडिक्शन अगर लिस्टिंग प्राइस का लगाना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कैलकुलेटर निकालना है। कैलकुलेटर में आपको 70 से मल्टीप्लाई कर देना है एक लोड में जितने शेयर्स हैं जो कि 30 हैं, तो यहाँ पर निकल गया है 2100 रुपये। तो फ्रेंड्स यहीं पर अगर हम देवयानी की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास 8 से 9 हज़ार रुपये निकल के आ रहे हैं। विंडलास के अंदर हमारे पास निकल के आ रहे हैं 2 हज़ार रुपये। और अगर हम कृष्णा डायग्नोस्टिक हमने अभी चेक किया है पिछली वीडियो के अंदर तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर 5 से 6 हज़ार रुपये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी दूसरी हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर जो है आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल रहे हैं। और एक आईपीओ में लिस्टिंग गेंस कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है इस आईपीओ की हाइप कितनी है, इस आईपीओ की डिमांड कितनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसके अंदर रेटिंग्स इसकी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर बेकार रेटिंग्स देखने को नहीं मिल रही है। सब्सक्रिप्शन भी है इसका फ्रेंड्स ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ पर जितना हमको देवयानी के अंदर या फिर हमको कृष्णा डायग्नोस्टिक के अंदर देखने को मिला था। तो इसलिए फ्रेंड्स इसके अंदर जो लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी कम है। अगर आपने इसके अंदर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया था तो अगर आपको 2.5 से 3 हज़ार रुपये के आसपास अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप इसके अंदर अपना पैसा निकाल सकते हैं।
बट फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड टिप नहीं देते हैं। अगर आप खुद रिसर्च करके इसके अंदर अप्लाई करते हैं, खुद रिसर्च के अंदर आप शेयर सेल करते हैं या बाय करते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं। तो मैं पर्सनली फ्रेंड्स यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर किया है, तो मैं आपको एक और बात कराना चाहता हूँ फ्रेंड्स। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप आईपीओ से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं, आईपीओ की डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी, आप रिसर्च करके और जो है फ्यूचर परस्पेक्टिव से इस आईपीओ को देख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आपको कुछ जो डिटेल्स हैं वो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप जरूर जरूर लाइक करें, कोई आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछें। आप मुझे जरूर बताएं कि आपने कौन से आईपीओ में अप्लाई किया था, विंडलास में किया था या फिर दिवानी में किया था या फिर आपने जो है कृष्णा डायग्नोस्टिक में किया था। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।